बार मैं आपको एक सामने कैमरे से दिखाता हूँ कि ये तुलसी चारा कैसा बना है। ये देख सकते हैं दोस्तों कि इधर ऊपर में कमल का डिजाइन दिया है जो डबल स्टेप में दिया है हमने, और सामने की तरफ फिर उसके नीचे में पाइप का दिया है, उसके बाद फिर उसके नीचे दो बीट दिया है, फिर उसके नीचे में जो फूला दिया है हमने वहाँ पर भी थोड़ा सा जो मंदिर का डिजाइन रहता है वैसा दे दिया है, और नीचे में भी आप जो बीट रहता है वो दिया है, और नीचे सबसे नीचे में पहिया लगा है आप देख सकते हैं, और इधर साईं बाबा का है, और इधर है गणेश जी का, और इधर दुर्गा मैया का टाइल है। आपको ये तुलसी चारा कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा तुलसी चारा बनाया है जो जमीन से 6 इंच ऊपर बना है, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। ये आइडिया आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर हमने ये खील भी डाल दिया है, दीदी ने बोला कि यहाँ पर हम झालर लगाएंगे जब भी कोई पर्व आएगा, तो फिर यहाँ पर हमने सभी तरफ 1, 2, 3 खील तीन खील इधर डाल दिया, इधर भी 3 खील है, सभी तरफ 3-3 खील, जिससे कि वो झालर का लाइट होता है ना वो लाइटिंग इसमें हम कर सकते हैं। और ये तुलसी चारा कुछ इस तरह से है, आप देख लीजिए जमीन से 6 फुट और 6 फुट बोलते हैं 6 इंच ऊपर, ये देख लीजिए इसका चक्का, आपको इस पूरे नीचे से दिखा देख सकते हैं 4 चक्का लगा हुआ है, आपको थोड़ा सा दूर से भी दिखा देता हूँ इसको मैं, तो आपको दिखाते हैं दोस्तों ये आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं, उधर ले जाएंगे चलो चलिए। और ये सब आइडिया था हमारी दीदी का, उनका नाम है साइना, और चाचा जी ने भी बहुत हमारा साथ दिया यहाँ पर जो है, चाचा जी का नाम है संतोष अमृत लाल, अरे अमृत लाल है क्या, अरे मैं भूल जाता हूँ ना, ठीक है चाचा जी का नाम है जैसे प्रकार है आप, और दीदी बोल रही है सीट में ही रखना है, देखिए देखिए तो अरे आप ऐसा नहीं करना था ना, खड़ी नहीं करना था, एड़ी में किया है तो लावी खड़ी कर दिए, अच्छा लग रहा है, ये तो आसानी से हो रहा है भाई, रोई का है ना, रोई का है ना, तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसको हम आसानी से ही घुमा पा रहे हैं। और ये आइडिया था हमारी दीदी का, और उनका नाम है अर्चना दीदी, उसको प्यार से बोलते हैं, थोड़ा उधर लीजिए इधर, हाँ देखिए उधर लीजिए, और दीदी बताइए, बस बस खड़े हो जाइए चाचा जी, आप फिर सीधी ले लीजिए, आपको एड़ी से मिले ना वो क्या, ठीक है। और ये है इन लोगों का दो तोता है, और इन लोगों का नाम है क्रीम पाउडर, क्रीम पाउडर नाम है ना, और ये है दादी जी, नहीं दादी जी नहीं मैया जी माता जी, ये सब कट करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, इसमें एडिट हुई एडिट गलत हो जाता फिर बहुत एडिट करना पड़ता है। और आपको एक बार हम बाहर का दिखाते हैं जो अपना मेन गेट है, तो आप देख सकते हैं दीदी जी यहाँ पर हमारे जो साई जी हैं उनको बहुत मानती है, इसलिए आपको यहाँ पर घर पर जहाँ भी दिखेगा वहाँ साई राम ही दिखेगा, और ये सामने का मेन दरवाजा यहाँ पर भी साई राम श्रद्धा सब्जी लिखा हुआ है, नहीं नहीं होने वाले, तो देख सकते हैं दोस्तों हमने ये तुलसी का चौरा यहाँ पर दीवार के पास ला लिया है, पहले ये इधर था तो इसको हमने हटा के यहाँ पर ला लिया है, और ये चक्का भी बहुत ही फ्री है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं यहाँ आसपास में आंगन में, अभी यहीं पर रहेगा, जैसे इसको धूप दिखाना है तो यहाँ धूप में ला के रखेंगे, क्योंकि अभी तो थोड़ा इसको पकाना है इसलिए इसको अभी छाँव में रखा गया है, इसमें इसका मजबूती बढ़ जाएगा, जब पानी वानी रहेगा तो कच्चा रहेगा, इसलिए बाद में इसको धूप में निकालेंगे जब वो पेड़ लगाएंगे ना तुलसी का, इधर भी ये पेड़ लगा हुआ है,